तो 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, ऐसे बच्चों का जो मैट्रिक और इंटर पास पैसा है, स्कॉलरशिप है, 10,000 रुपया, 25,000 रुपया उनके अकाउंट में आना शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये जो है मैसेज कब आया, 21 तारीख को सुबह में जो है बहुत सारे बिहार के लाखों मैट्रिक पास बच्चों के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत। तो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024 या फिर टेंथ पास स्कॉलरशिप 2024 का जो पैसा है ना, वो खाते में आना शुरू हो गया है और ये 10,000 रुपये खाते में जाना शुरू हो गया है। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, पैसा आ गया तो और पैसा नहीं आया तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों का पैसा आ ही गया है। लेकिन हाँ, इतना तो आप जरूर जान लीजिए कि 21 सितंबर के सुबह में 8 बजे के आसपास, 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, 7 बजे लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके खाते में 10,000 रुपये भेजे गए हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जिनके खाते में पैसा आ गया उनको क्या करना होगा, जिनके खाते में पैसा नहीं आया उनको क्या करना होगा, और जिनके खाते में पैसा आने का मैसेज तो आया, मतलब मैसेज आया पर अकाउंट में बैलेंस नहीं आया, उनको क्या करना होगा। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके पहले, सबसे पहले तो सिंपली आप गूगल में सर्च कीजिए, स्काई लाइट स्टडी लिख करके आप गूगल में सर्च कीजिए और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा ना, उसको सिंपली क्लिक करके अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। अब जब ये मोबाइल में ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आपको एक पोस्ट नज़र आएगा, एक मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का और एक इंटर पास स्कॉलरशिप का। देखिए, ये है इंटर पास का और उसके नीचे मिल जाएगा मैट्रिक पास का। तो अगर आप मैट्रिक पास किए हैं 2024 में तो ये वाला खोलिएगा, और अगर इंटर पास किए 2024 में तो आपको ये वाला पोस्ट खोलना होगा। तो चलिए हम मैट्रिक वाला खोल करके देखते हैं। देखिए, मैट्रिक वाला खोलिएगा तो नीचे आपको ढेर सारा जो है ना लिंक नजर आएगा, नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने पर यहां पर एक लिंक आपको नजर आएगा जिसका नाम है पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक और उसके सामने है चेक हेयर। यही वो लिंक है जहां पर आपको चेक करने से सारी जानकारी मिलेगी। अब यही चीज सेम टू सेम यही चीज आपको कहां मिलेगा, तो इंटर पास वाले में मिलेगा। मतलब दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, और जो पेमेंट लिस्ट न्यू है ना उसमें अगर किसी का नाम है तभी उसका पैसा आ रहा है और उसके अकाउंट में पैसा आया भी है। तो हम इसमें करेंगे क्या, करना ये होगा कि जब ये लिंक आप खोलिएगा तो खोलने के बाद अगले पेज पर सबसे पहले आपको चुनना होगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, जिस जिले के निवासी हैं, वो जिला अपना चुन लेना है। उसके बाद कॉलेज वाले सेक्शन में आपको क्या करना है कि अपने स्कूल का नाम चुन लेना है जहां पर आप पढ़ते थे, ठीक है, उस स्कूल का नाम चुन लीजिएगा। और उसके बाद अगर यहां पर जेंडर की बात करें तो यहां पर अगर मेल है तो मेल चुन लीजिए, फीमेल है तो फीमेल चुन लीजिए, और उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट जो है ना इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद सर्च कीजिएगा, यहां पर सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में ना सारे बच्चों का नाम खुल जाएगा और सबके सामने जो स्टेटस है वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना लिस्ट नंबर कुछ भी नहीं है लेकिन रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिस्ट नंबर 1 है तो सेंड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको समझना होगा। देखिए, रेडी फॉर पेमेंट का मतलब ये हुआ ना कि आपका सारा कुछ बिल्कुल सही है, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में जो है अपने आप आ जाएगा। और सेंड फॉर पेमेंट का मतलब यह हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा भेजने के जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू कर दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको लिस्ट का नंबर अलॉट किया जाता है, लिस्ट नंबर 1 हो 2 हो 3 हो, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सिर्फ 1 ही नहीं 2 3 भी आपको नज़र पड़ेंगे। लिस्ट नंबर 1 2 3 4 तक जारी हुआ है और अब 5 6 7 जारी होने जा रहा है, लगातार लिस्ट नंबर जारी होते रहेंगे और लिस्ट आपको नंबर लिस्ट का अलॉट किया जाता रहेगा, आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि लिस्ट नंबर सबसे पहले अलॉट होगा आपका, आपके नाम के सामने यहां पर लिस्ट नंबर पहले अलॉट होगा। जिसका लिस्ट नंबर अलॉट होगा उसका हो जाएगा रेडी फॉर पेमेंट से चेंज क्या हो जाएगा, तो सेंट फॉर पेमेंट हो जाएगा। और सेंट फॉर पेमेंट हो गया मतलब अब आपका पैसा आपके अकाउंट में कभी भी आ सकता है। अब देखिए ना कि मैट्रिक पास वालों का जो है सेंट फॉर पेमेंट हुआ और उसके 2 दिन ही हुए और पैसा उनके अकाउंट में आना शुरू हो गया। तो लिस्ट नंबर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कोई भी हो, लिस्ट नंबर पहले अलॉट होगा और जैसे ही लिस्ट नंबर अलॉट होगा तुरंत आपका लिखा जाएगा वहां पर स्टेटस में क्या लिखा जाएगा, तो सेंट फॉर पेमेंट लिखा जाएगा। और सेंट फॉर पेमेंट लिखाने के 2 से 4 दिन होते होते आपके अकाउंट में खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन जो ये मैंने पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक दिखाया ना,
इसमें आपका नाम होना ज़रूरी है। अगर इसमें नाम रहेगा तो ही आपका पैसा आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों का पैसा आ गया, अगर आपका पैसा आने का मैसेज भी आ गया और अकाउंट में पैसे यानी बैलेंस भी आ गया, तब तो आपका कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आपका टेंशन ख़त्म, पैसे आ गए, अब उसको जैसे चाहे वैसे यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर किसी का पैसा अभी तक नहीं आया है तो वही पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक में जा करके, चाहे मैट्रिक वाले हों चाहे इंटर वाले हों, बस पोस्ट आपको मैंने दिखा दिया, मैट्रिक वाले मैट्रिक का लिंक खोलेंगे, इंटर वाले इंटर का लिंक खोलेंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डिस्ट्रिक्ट चुने, स्कूल चुने और उसके बाद उस लिस्ट में अपना नाम देखें। तो अगर किसी का पैसा नहीं आया तो पहले तो लिस्ट में नाम चेक करें, और लिस्ट में नाम चेक करने के बाद देखें कि उनका लिस्ट नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको बस वेट करना है, इंतज़ार करना है। और अगर आपका लिस्ट नंबर शो नहीं करेगा तो क्या लिखा जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर रहेगा लिखा हुआ रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ रहेगा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपका पैसा आएगा, थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन आएगा। और अगर आपके नाम के सामने, नाम तो है और नाम के सामने लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हुआ हो, और जैसे ही लिस्ट नंबर लिखाएगा अलॉट होगा वैसे ही क्या हो जाएगा वहाँ पर, तो सेंट फॉर पेमेंट लिखा जाएगा। और सेंट फॉर पेमेंट लिखा गया मतलब अब आपके अकाउंट में यानी बैंक के खाते में पैसा आने का उल्टी गिनती शुरू, काउंट डाउन शुरू, 2 से 4 दिन 5 दिन होते होते आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है, वैसे बच्चे जिनका पैसा आने का मैसेज तो आ गया लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि भाई पैसा के लिए आपसे अकाउंट नंबर, आपका खाता नंबर तो कहीं मांगा नहीं गया, इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट आधार से सीडेड होगा उसी में जो है विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट पैसा भेज देता है। तो ऐसे केस में आप केवल ईमेल कर सकते हैं और कोई आपके पास रास्ता फिलहाल नहीं है। तो पैसा आ गया है, आना शुरू हो गया है और लगातार पैसे आ रहे हैं, आपको भी अपना अकाउंट चेक करना चाहिए कि 10,000 आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया, या जो इंटर वाले हैं उनका 25,000 आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया। पैसा लगातार भेजा जा रहा है और लाखों बच्चों के खाते में पैसा चला भी गया है। तो चलिए हम इस पे आगे नए अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।